सर मेरी बैक चैट पे आप खून देख रहे हैं, ये एमरजेंसी डिस्पेंसरी है फर्स्ट एड, जो आगे वर्कर काम करते हैं उनके लिए फर्स्ट एड। और इसी तरह का इसके ऊपर वाले फ्लोर पे हमने इस्तम हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वहाँ पे विदाउट मेडिसिन इलाज कर रहे हैं डस्ट लजमेंट नमो पेशेंट। इस तरह इस वाल के अंदर आप देखते हैं हमने लाइट लगाई हुई, नमक को हीट अप करती है। दो नमक क्या कारण होते हैं, 10 से 15 दिन स्टमक पेशेंट डस्ट एलर्जी के पेशेंट जहाँ पे स्टे करते हैं इस माइंड की जो ऑक्सीजन है उसे इनहेल करते रहते हैं। अगर आप इस ऑक्सीजन को 110 घंटे तक इनहेल करेंगे डस्ट एलर्जी स्टमक पेशेंट फ्री हो जाएगा। इस वक्त जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं आप गहरे सांस में परेशान नहीं होना। अगर इसी माइंड के अंदर आप गर्मी में आएंगे तो माइंड में ठंड लगती है, सर्दी में आएंगे तो नार लगती है। इस रोड का हमने वैसे एक नाम दे रखा है, गर्मियों में आए थे वाकई सर्दी थी अंदर, तो जून में आए थे हम। यहाँ पर ये नमक की ईंटों से बना हुआ मीनार पाकिस्तान बना लिया हुआ है और मीनार पाकिस्तान की तरह ही इसको बनाया गया है। ये सर सबसे 80 फीट नीचे गहरा है, यहाँ पे 80 फीट नीचे। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है इसकी बेस नहीं है, ये ऊपर वाला अक्ष नीचे नजर आ रहा है। अगर करीब से देखेंगे इसका नाम निशान, ये पानी देख रहे हैं दूसरे लेवल से, जहाँ पे फेंक रहे हैं नीचे वाले से ऊपर वाले, ऊपर वाले से फिर बाहर फेंक रहे। इसका नहीं आगे होगा घाट में। जब हम जाएंगे तो गाइड में बताता है कि जी शीश महल कभी आपको विजिट कराएंगे, तो ये शीश महल है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा ख़ास देखने को मुख्तलिफ नहीं है जैसा हम खेड़ा के अंदर दाखिल होने के बाद देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे नमक, तो ये भी वैसे ही है, पानी है यहाँ पे ये नीचे, लेकिन पानी इस हद तक क्रिस्टल क्लियर है कि ये डिस्टल वाटर है, तो ये इतना क्लियर है। और ये पानी जो है आपके साबुन बनाने में, ब्लीच बनाने में, साबुन फैक्ट्रियों में ये जाता है, वहाँ पे ब्लीच बनाने के भी ये काम आता है। और ये जो सामने आप देखेंगे ये पानी के साथ यहाँ पे नमक ये गिर रहा है ऊपर से, और जिसकी वजह से ये इस तरह का प्यारा सा एक व्यू बना हुआ है, ये नमक है सारा पानी के साथ टपक हुआ है यहाँ।